मुरथल में एक सबसे अच्छी चीज मेरे को ये देखने को मिलेगी, ये सामने दो हवाई जहाज खड़े हैं और इन हवाई जहाज के अंदर ना रेस्टोरेंट्स है, तो काफी अच्छा मतलब व्यू है। नेक्स्ट 44 पर, और अभी मैं यहाँ ठहरा था, ये इधर मैंने धन्नो खड़ी कर रखे, यहाँ मैं चाय पीने के लिए रुका था तो एक मेरे को बाबा जी मिले थे। सोनीपत का जो नाम है राजा सेन के नाम पर रखा गया था सोनपत, और सोनपत के बाद में इसको कर दिया गया सोनीपत, और महाभारत काल में जो नाम था वो स्वर्ण प्रस्थ था। मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया इस गांव के अंदर ऐसे घूम घाम के, और देखो यहाँ सामने आपको सिंधु बॉर्डर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ से अब निकलते हैं आगे के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सुबह हो चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 9, और अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से क्रू क्षेत्र के लिए, जो कि अभी मुझे डिस्टेंस कवर करना है पानीपत सोनीपत, ये डिस्टेंस कवर करके जब शायद मुझे लग रहा है कि क्रू क्षेत्र में एंट्री होगी मेरी, ठीक है। तो बस निकल चुका हूँ यहाँ से, और अभी मैं रोड पर खड़ा हूँ, थोड़ा लेट निकला हूँ, जो समय हो रहा है, टाइम जो हो रहा है वो बज रहे हैं अभी 9, मोबाइल चार्ज नहीं था इस वजह से थोड़ा लेट निकला हूँ, ठीक है, कल थोड़ा जल्दी निकलूँगा, और अभी रोड पे ही खड़ा हूँ मैं। बाकी आज मेरा ये दूसरा दिन है, दिल्ली से लद्दाख तक मेरी यात्रा है, और लद्दाख के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा मैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबी यात्रा है मेरी। अब निकलने के बाद में अब पता नहीं है कि किधर निकलना है और किधर क्या करना है भाई साहब। फिलहाल अभी मुझे वैष्णो देवी तक पहुंचना है, और वैष्णो देवी के बीच में जितना भी डिस्टेंस मतलब कि जो भी देखने दिखाने लायक चीज़ होगी, जगह होगी, मैं वो आपको वहां दिखाता रहूँगा। तो चलो निकलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी, कंटिन्यू करते हैं, हर हर महादेव। दोस्तों अभी मैं सामने जस्ट वो फ्लाईओवर आपको अगर नज़र आ रहा होगा वहाँ, ठीक है, तो वहाँ मतलब ये सिंधु बॉर्डर है, और यहाँ किसानों के चलते रास्ता बंद कर रखा है, तो फिलहाल मैं अभी लेफ्ट साइड में इधर आ चुका हूं, और यहां से ऐसे करके निकलूंगा, तो आगे से मुझे राइट साइड में ये आपको गाड़ियां नज़र आ रही होंगी, मूर्ति नज़र आ रही है ना, ये इधर की साइड में, ठीक है। तो मुझे यहां से निकलता हुआ तब हाईवे पर निकलूँगा, इसके पीछे होते तब निकलूँगा, ठीक है। और आपको जो लोकेशन देखने को मिल रही है, देखो झोड़ झक्कड़ कीकड़े, पता नहीं ये क्या किस चीज़ के पेड़ हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ बंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है सिंधु बॉर्डर है, मैं वहाँ से लेफ्ट साइड में होके और इस गांव के अंदर होते हुए इस रास्ते से मैं बाहर निकला हूँ अभी, और वो भी साइकिल से पैदल निकला हूँ, साइकिल से नहीं चला मैं, और पैदल पैदल इस गाँव के अंदर होते हुए मैं इस हाईवे पर आ चुका हूँ, ठीक है। फिलहाल ये मेरी साइकिल खड़ी है, और मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया इस गांव के अंदर ऐसे घूम घाम के, और देखो यहाँ सामने आपको सिंधु बॉर्डर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से अब निकलते हैं आगे के लिए। 9 बजे मैं निकला था, और अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:30, डेढ़ घंटा मुझे हो गया निकले, और अभी का जो शानदार व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना हाईवे का, भाई इस हाईवे पर निकलने के मेरा बड़ा मन करता है, इसलिए मैंने ऑल इंडिया राइड साइकिल से शुरू कर दिया, अपना भारत घूम रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे घूमने में, और मैं सोनीपत पानीपत पंजाब चंडीगढ़ होते हुए मैं निकलूँगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, आप लोगों को मैं दिखा भी रहा हूँ, और अपना भारत घूम भी रहा हूँ मैं। सोनीपत से पहले एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रसोई, अभी मैं वहीं पर बैठा हुआ हूँ, पानी पी रहा हूँ, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी इधर मुझे लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा तेज धूप भी है यार, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मुझे, तकरीबन यहाँ 10 मिनट हो गई मुझे बैठे बैठे, और मैं जब बैठ के 5 या 10 मिनट रेस्ट लेने के बाद में तब पानी पीता हूँ, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली शरीर के अंदर, जो सर्दी जुकाम सर्द गर्मी जो होती है ना वो कुछ नहीं होने वाला। बाकी मैं अभी यहीं पे बैठा हूँ, ये हाईवे है, बाकी पानी पीते हैं और उसके बाद में यहाँ से निकलते हैं। तो अभी मैं सोनीपत के अंदर हूँ, और अभी जो टाइम हो रहा है 12:15 का टाइम हो चुका है, मैं यहाँ ठहरा था, लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि सोनीपत का जो नाम है राजा सेन के नाम पर रखा गया था सोनपत, और सोनपत के बाद में इसको कर दिया गया सोनीपत, और महाभारत काल में जो नाम था वो स्वर्ण प्रस्थ था शायद, तो
ये सोनीपत का नाम नहीं मिलता, सोनीपत पहले स्वर्ण प्रस्थ था और राजा चैन के नाम पे ये नाम डाला गया था। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ ठहरा हूँ खाना खाने के लिए, खाना खाते हैं यहाँ, भैया जी के रेडी है पीछे, तो यहाँ से मैं छोले लेता हूँ, बाकी परांठे तो मेरे पास रखे हुए हैं, दीदी ने सुबह बना दिए थे गर्मा गर्म, तो बाकी नाश्ता यहाँ खाना खाने के बाद में निकलते हैं आगे की जमीन कंटिन्यू करते हैं। तो भैया से मैं छोले ले लेता हूँ और इसके साथ मैं परांठे खाऊंगा जो दीदी ने मुझे बना के दिए थे। तो ये 10 रुपये के छोले हैं जो कि सोनीपत में मुझे खाने, मुरसल में एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये देखने को मिलेगी कि ये सामने दो हवाई जहाज खड़े हैं और इन हवाई जहाज के अंदर ना रेस्टोरेंट्स है, तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यू है देखने लायक और दिखाने लायक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से सोनीपत, सॉरी पानीपत के लिए, सीधा रास्ता है ये और यहाँ से पानीपत का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन ऐसा रह जाता है 40 किलोमीटर के आसपास। सो गाइज अभी ये मैं खड़ा हूँ NH 44 पर और अभी मैं यहाँ ठहरा था, ये इधर मैंने धन्नो खड़ी कर रखे, यहाँ मैं चाय पीने के लिए रुका था तो एक मेरे को बाबा जी मिले थे अभी जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, खुड़जा से हैं और वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा पे हैं और बता रहे हैं कि अभी मतलब ये इधर दोबारा आ रहे हैं और ऑल इंडिया ट्रैवल भी कर रहे हैं पैदल यात्रा। ठीक है, तो जय माता दी बाबा जी। भैया जी मैं 1988 से माता वैष्णो देवी पैदल यात्रा ऑल इंडिया में पैदल ही घूमता हूँ। तो 1988 से मैं पैदल जाता हूँ। काफ़ी साल होगी आपको तो? हाँ मुझे 37 साल हो गए इंडिया टूर पर। देख रहे हो और गाइस इनके पास में देख रहे हो बस एक ये बैग है, बाकी कोई खाने पीने का कोई मतलब सुविधा नहीं है और मेरे पास तो सिलेंडर वगैरह है लेकिन बाबा पैसे रखते ही नहीं हो? 1988 के बाद में आज तक मैंने पैसे नहीं रखे अपने पास। तो गाइस ये बाबा जी आपको कहीं मिलते हैं दिखाई देते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प करना, मदद करना खाने पीने से लेके, ठीक है, और रुकने की व्यवस्था भी हो जानी चाहिए क्यों बाबा जी? तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है, देखो ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी जगह दूर दराज घूम भी रहे हैं और मैं यहाँ चाय पीने के लिए ठहरा था तो बाबा जी भी आ गए। ठीक है, तो फकीर बाबा खुड़जा से? हाँ मैं भैया फकीर बाबा हूँ, मेरा कोई पहनावा नहीं जी, मेरे कपड़े नहीं, जो जैसे कपड़े दे देता वैसे पहन लेता हूँ। अच्छी बात है, चलो और खुशी की बात यह है कि आप पैदल यात्रा कर रहे हो, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो गाइस हम भी अब निकलते हैं यहाँ से और गए NH 44 है और यही मैं खड़ा था, तन्नू यहाँ खड़ी है बगल में और निकलते हैं सीधे अभी यहाँ से पानीपत 20 किलोमीटर रह जाता है, तो चलो निकलते हैं। तो जो अभी टाइम हो रहा है वो 6 बज चुके हैं और अभी मैंने पानीपत से 20 किलोमीटर पहले ही स्टे कर ली है पेट्रोल पंप पर, ये पेट्रोल पंप है और मैं यहाँ रात को ठहरूंगा। तो मैंने भैया जी से बात करी तो बोले थे हाँ कोई बात नहीं ठहर जाओ आप, लेकिन रात को कोहरा रहता है यहाँ पे, ये भैया जी बता रहे थे कि रात को कोहरा पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं अपने पास तो कैंपिंग टेंट है, रात अच्छे से कटेगी भाई। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर दबा के करो और मैं नोएडा से लद्दाख की ये मेरी साइकिल यात्रा है तो देखते हैं कितने दिनों तक चलेगी।